27 अक्टूबर 1962 कोल्ड वॉर का 15वां साल। कैरेबियन सी में अमेरिकन नेवल फ्लीट को सोवियत यूनियन की B-59 के साथ 3 और सबमरीन स्पॉट होती हैं। सबमरीन को सरफेस पे लाने के लिए अमेरिकन वार्निंग डेप्थ चार्जेस गिराते हैं। B-59 के क्रू को लगता है कि ये एक अटैक है और बहुत दिन तक पानी के भीतर रहने से उनका मॉस्को से कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं था, लेकिन गंभीर स्थिति में उन्हें न्यूक्लियर टॉर्पिडो और मिसाइल लॉन्च करने का ऑथराइजेशन दिया गया था। लॉन्च प्रोटोकॉल के तहत कोई भी अटैक करने के लिए सबमरीन के 3 ऑफिसर्स कैप्टन वैलेंटीन सविट्स्की, डेप्यूटी पॉलिटिकल ऑफिसर इवान मैसेलिनिकॉव और फ्लोटिला कमांडर वैसिली आर्किपोव की परमिशन चाहिए थी। B-59 के अंदर टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि 2 ऑफिसर्स ने न्यूक्लियर टॉर्पिडो लॉन्च करने का फैसला किया। ये टॉर्पिडो हिरोशिमा पे गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर थी। वसीली परमिशन न देते हुए कैप्टन को समझाते हैं और सबमरीन सरफेस पे आती है और फिर अपने रीजन में लौट जाती है। 40 साल बाद एक रीयूनियन में ये खुलासा होता है कि कैसे वसीली ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया, जो पूरी तरह से न्यूक्लियर वॉर होता।